सभी को नमस्कार। हर हर महादेव। मिस्टर कौशल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। ये है एयर कंप्रेसर जो मैंने अपनी दुकान के लिए ख़रीदा है। फ्रेंड्स, मेरे पास पहले नहीं था तो मैंने सोचा क्यों ना भाई आपके लिए एक वीडियो बना दिया जाए और इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाए। यदि कोई भाई कभी एयर कंप्रेसर खरीदे और उसको कैसी फिटिंग करते हैं वो मैं इसमें आपको बताऊँगा। इसका जो ऑटो कट है, ये इसका ऑटो कट इस पर लगा हुआ है। आप जब इसको ख़रीदें तो ऑटो कट वाला ही ख़रीदें, क्योंकि बहुत इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इसका कनेक्शन कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसकी फिटिंग कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा। इस पर मैं एयर इंपैक्ट रेंच, जो गन होती है हमारी नट बोल्ट खोलने वाली, उसको भी इंस्टॉल करूंगा। उसको कैसे फिटिंग करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये डबल सिलेंडर है फ्रेंड्स, जो मैंने एयर कंप्रेसर खरीदा है वो 2 HP का है। 2 हॉर्स पावर की इस पर मोटर लगेगी, 2 HP है, और ये इसमें पंखा लगा है। पंखा जो है फ्रेंड्स वो इस तरह से घूमना चाहिए इस साइड में, ताकि जो जब ये घूमे, जब हम इसको चलाएं, तो ये जो हवा जो है ना, ये डबल सिलेंडर है तो इसके अंदर जो है ना, ये यहाँ पर ये पाइप लगा है। इस पाइप के ऊपर इस पंखे की हवा लगनी चाहिए। जब आप इसको ख़रीद लें और इसको चलाएं, फिर आप कभी कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम नई मोटर इसके ऊपर रखते हैं तो वो उल्टे चक्कर हो जाते हैं और ये हवा जो है इस साइड फेंकने के बजाय इस पाइप की तरफ दूसरी साइड में फेंकने लगता है, जिससे ये एयर कंप्रेसर सही से काम नहीं करता। यहाँ इस होल के अंदर हम एयर फिल्टर लगाते हैं, जो इसके साथ ही आपको मिलता है, जिसकी फिटिंग मैं आपको बताऊंगा। ये डबल सिलेंडर है फ्रेंड्स, 2 HP है, तो ये जो इसमें एक सिलेंडर है वो जो है हवा को खींचने का काम करता है। और फ्रेंड्स, जब वो हवा को खींचता है तो वो हवा जो होती है वो बहुत गर्म होती है, और गर्म हवा जो है इस पाइप से अंदर खींचने के बाद ये आगे की तरफ उसको भेजता है, और इसमें वो हवा थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, कुछ मिलीसेकंड के लिए, और पंखे की हवा लगती है, वो ठंडी हो जाती है। फिर वो हवा इस छोटे सिलेंडर के अंदर आती है। इसमें छोटा पिस्टन डाला है, क्योंकि इसका ज़्यादा काम नहीं है, इसको सिर्फ उस ठंडी हवा का जो है इस पाइप के द्वारा जो हमारा टैंक है उसके अंदर डालना होता है। नीचे जो है वो सामने वो चेक वाल्व होता है, जहाँ से हवा अंदर जा सकती है लेकिन बाहर नहीं आ सकती। तो हमारी जो टैंक है उसके अंदर डबल सिलेंडर, जो आप ये कंप्रेसर लेंगे तो उसमें आपको ठंडी हवा जाएगी, जिससे आपकी जो ये एयर टैंक है वो पूरा सेफ रहेगा, क्योंकि उसके अंदर हवा जो है वो ठंडी रहेगी। ठंडी हवा कम फैलती है, गर्म हवा बहुत ज़्यादा फैलती है, इसलिए आप डबल सिलेंडर खरीदें तो सबसे बढ़िया, वरना सिंगल सिलेंडर तो आजकल लोग लेते ही हैं। आपकी मर्ज़ी, हमें तो सिर्फ आपको बताना था कि डबल सिलेंडर का फ़ायदा बहुत है, इससे आपका एयर टैंक जो है पूरा सेफ रहता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आप बोल्ट देखिए, ये ड्रेन बोल्ट है। यहाँ से हम जो इसके अंदर ऑयल डालते हैं उसको बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहले जो है हम इसका जो एयर फिल्टर है उसको इस सुराख के अंदर फिटिंग कर देते हैं। इस होल में हम इसको पूरे अच्छी तरीके से टाइट कर देते हैं। फिर उसके बाद हमें क्या करना होता है फ्रेंड्स, उसके बाद हमें जो है यहाँ पर इंजन ऑयल इसमें डालना होता है। लेकिन मेरे पास ये नया है, तो नए के अंदर इंजन ऑयल पहले ही डला हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें आप इंजन ऑयल यदि डालें तो 20W40 डाल सकते हैं, जो आप मोटर बाइक वगैरह में यूज़ करते हैं, क्योंकि हम तो भाई मैकेनिक हैं मोटर बाइक के, तो हम तो वही डालेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने इसमें मोटर फिटिंग कर दी है, और ये जो पुली है वो 5 इंच की पुली मैंने इस्तेमाल की है। और फ्रेंड्स, ये जो मोटर है वो बेंटेक्स SK के हैं। पहले मैं डुप्लीकेट लोकल मोटर एक लेके आया था, वो ज़्यादा चली नहीं, 10 मिनट में ही बस लोड मान गई फ्रेंड्स, और 100 पाउंड से ऊपर हवा नहीं खींच सकी ये। तो फिर मैं ये बेंटेक्स के लेके आया, जो 2 हॉर्स पावर की है। ये बिल्कुल जेन्युइन मोटर है, इसकी फुल वारंटी उसने दी है कि भाई आप ये जो आपके पास डबल सिलेंडर एयर कंप्रेसर है उस पर यही चलेगी। मैं पहले लोकल लेके आया था फ्रेंड्स, वो नहीं चली 10 मिनट में, 100 पाउंड पे ही जाके बस वो ये जो थी वो बहुत गर्म हो चुकी थी। गर्म होने के कारण मैंने इसको वापस दे दिया। फिर मैं ये ओरिजिनल लेके आया बेंटेक्स की, जो मुझे 7,000 रुपये में पड़ी है अपनी मार्केट के अंदर, और जो एयर कंप्रेसर है वो 21,000 रुपये का पड़ा है फ्रेंड्स। अब देखिए, मैंने इसको चलता कर दिया है, और चलने के बाद फ्रेंड्स इसने 11 एम्पीयर
जो है लोड दिखाया है। कंपनी कहती है कि ये भाई 12:30 लग इसका वो नॉर्मल रहता है 12:30 जो लोड है, लेकिन यहाँ पर अभी 11 है। ओ मैंने इसको एक मिनट हो गया है चलाए हुए, थोड़ी हवा भर चुकी है, देख सकते हैं 0 से थोड़ा ऊपर जा चुका है। अब मैं इसके अंदर जो है आपको जो सेफ्टी वाल है उसका कट आपको दिखाऊंगा, वो कट कैसे लगाता है और आपका जो एयर कंप्रेसर है वो ज़्यादा हवा से कैसे बच जाता है और सेफ रहता है। ये इसमें जो है सेफ्टी वाल लगा हुआ है, अब देख सकते हैं 160 हवा हो चुकी है और 16 मिनट हो चुके हैं। 16 मिनट में इसने 160 पाउंड हवा एयर टैंक के अंदर कर दी है। अब ये 180 पे जा चुका है फ्रेंड्स, और जैसे जैसे हवा भर इसके अंदर जा रही है 21 मिनट हो चुके हैं और देख सकते हैं 13 एम्पीयर हो चुके हैं फ्रेंड्स, और अब ये 14 एम्पीयर हो चुके हैं यहाँ पे देख सकते हैं, और हवा जो है वो 200 के आसपास चली गई है, 200 से भी ऊपर चली गई है। मैं आपको दिखा देता हूँ, 27 मिनट हो चुके हैं और हवा जो है वो 220 पे जा चुकी है। 27 मिनट लगे हैं इसको 220 हवा करने में, डबल सिलेंडर है जल्दी करता है हवा। वो 14 एम्पीयर इस पर लोड पड़ चुका है, क्योंकि अब जो है जो इसके जो पिस्टन है उनके ऊपर लोड पड़ रहा है, वो हवा को ज़बरदस्ती अंदर धक्का दे रहे हैं और मोटर के ऊपर लोड पड़ रहा है। 240 हो चुका है फ्रेंड्स, अब सेफ्टी वाल जो है वो काम करना स्टार्ट कर चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, आवाज़ सुनाता हूँ, तो देख सकते हैं 240 हवा इसके अंदर हो चुकी है और सेफ्टी वाल जो है कट मार चुका है। वो यहाँ से एक आवाज़ आने लगी है, हवा लीकेज होने लगे है, जैसे हमारा जो कुकर होता है फ्रेंड्स जिसमें हम खाना वगैरह बनाते हैं तो उसके वो भी सीटी मार देता है जब उसके अंदर ज़्यादा गैस हो जाती है, ज़्यादा हवा हो जाती है। तो ऐसे ही देखिए 240 पे जाके लाल निशान से पहले ही ये कट मार चुका है। यदि लाल में चला जाएगा तो भाई ये आप तो पता ही है कि यदि हम ज़्यादा खाना खाएंगे तो पेट का क्या हाल होगा, वही हाल यहाँ पे हो सकता है। तो ये ग्रीन लाइन इसलिए दिया है कि भाई आप इसको नॉर्मल रखें, ये सेफ है बिल्कुल। ये हरे लाइन के अंदर हवा जो आप रखते हैं तो वो सेफ रहती है। तो अब मैं अपनी सेफ्टी के हिसाब से इसको और सेटिंग करूँगा फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे 240 पाउंड हवा की ज़रूरत नहीं है। मैंने इतनी हवा इसलिए इसके अंदर भरी ताकि मैं आपको दिखा सकूं, यदि बाय द वे आपसे एयर कंप्रेसर चलता रह जाए रात के समय, कभी भी मिस्टेक हो जाए, तो ये जो सेफ्टी वाल है ये जो है हवा को आगे नहीं जाने देगा, ये हवा को लीकेज कर देगा हमारे प्रेशर कुकर की तरह। तो अब मैं इसको और सेटिंग करने वाला हूँ, इसकी सेटिंग ही आपको बताऊँगा फ्रेंड्स मैं। अब मुझे इतनी हवा की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसकी जो 3-4 चूड़ियाँ जो है वो और लूज कर देता हूँ फ्रेंड्स। लूज करें यदि आपको 240 से हवा कम रखनी है ताकि आपका सेफ्टी वाल, और इसको मिनिमम 180 कर सकते हैं, 180 से ज़्यादा यदि आपने इस बोल्ट को खोल दिया तो फ्रेंड्स ये गोली की तरह बाहर निकलेगा और आपके हाथ को डैमेज कर देगा। वो कैसे सेटिंग करनी है वो मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा फ्रेंड्स, जल्दबाजी मत कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि आपकी सेफ्टी का सवाल है। मैंने इसका पहले पूरा प्रैक्टिकल किया है, एक्सपीरियंस किया है, तभी ये वीडियो बनाया है ताकि मैं इसको आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं। अब हवा जो है वो निकलनी स्टार्ट हो चुकी है, मैंने थोड़ा उसको लूज इसलिए किया क्योंकि इसने जो कट था वो 240 भी मारा, लेकिन मुझे जो हवा है वो कम चाहिए। 37 मिनट हो चुके हैं, देख सकते हैं मैं वीडियो लगातार बना रहा हूँ बिना कटिंग के, जरूरी है। अब मैंने जो है ये जो बोल्ट है वो आधा खोला है, आधे की निशानी मैंने लगाई है जो मैंने अभी आपको नहीं दिखाई मैंने निशानी कैसे लगाई है, तो मैं अब आपको आगे दिखाने वाला हूँ ये कितना जो बोल्ट है कितना लंबा होता है। अब मैंने इसको पूरा टाइट कर देना है, जो चेक नट है टाइट कर दिया है, लीजिए अब ये पूरा सेफ है। 180 से ऊपर ये कुकर की तरह हमारा जो प्रेशर कुकर होता है उसकी तरह सीटी मार देगा, 180 से ऊपर नहीं जाएगा। आप चाहें तो 240 भी कर सकते हैं यदि आपको इतनी हवा की ज़रूरत है, आपका काम जो आपने जो गन वगैरह है वो दो लगाई है तो आप हवा ज़्यादा में रख सकते हैं आसपास। बाद में हो सकता है मैं इसको 200 पे यहाँ पे सेट कर लूँ, अभी मैंने 180 पे किया है क्योंकि ठंड का मौसम है, क्योंकि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो जनवरी में बना रहा हूँ। तो अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहले इसको टेपिंग किया इस बोल्ट को, और टेपिंग करने के बाद उस पर थोड़ा सा स्प्रे किया आगे की तरफ स्प्रिंग पे और उसकी चूड़ियों पे, ताकि मुझे ये दिखता रहे कि भाई मैं जो ये नट इसके अंदर सॉरी ये जो बोल्ट इसके अंदर डाल रहा हूँ कितना लूज कर रहा हूँ। यदि यहाँ पर ये ब्लैक निशान आ जाता है तो मुझे पता लग जाएगा भाई आधे से आधा जो है वो चूड़ियाँ आप खोल चुके हैं, उससे आगे मत खोलिए वरना ये बोल्ट जो है वो फ्री हो सकता है हवा के दबाव के कारण, और आप इतना रिस्क ना लें। तो मैंने इसलिए इसको मार्किंग किया था आपको, मैं इसलिए अब मैं दिखा रहा हूँ। तो और इसको एक बार खींच के जरूर देख लें फ्रेंड्स, ये खींचना चाहिए ऐसे। तो इस तरह से आप जो है इस सेफ्टी वाल की सेटिंग कर सकते हैं, 180 190 200 240 अलग कर सकते हैं। 240 ऊपर लाल निशान स्टार्ट हो जाता है जो खतरे का निशान है फ्रेंड्स।
ओके फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगे तो दूसरे पार्ट में आप ऑटो कट के कनेक्शन मैं आपको सिखाऊंगा और वो भी दिखाऊंगा कैसे आप उसको कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स।